बॉलीवुड के ही मैन या यू कह लीजिए धर्मेंद्र, धर्मेंद्र के पोते करण देवल और दृशा आर्यन शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों की शादी ने खूब सुरखुरिया बटोरी। मेहंदी से लेकर बड़ा तक देवल फैमिली के एंजॉयमेंट की कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहे। परिवार के इस खास प्रोग्राम में देवल फैमिली या यू कह लीजिए बॉलीवुड के कई अभिनेता और अभिनेत्री खूब मस्ती की। हालांकि इस दौरान परिवार के खास सदस्य इस कार्यक्रम से दूर रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी धर्म जी की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी में नहीं पहुंची। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हेमा मालिनी ही नहीं बल्कि हेमा मालिनी की दोनों बेटे ईशा देओल और एहना देओल भी नहीं पहुंची। बताया तो भी जाता है कि सनी देओल अलग से ईशा देओल और एहना देओल को बताया था कि मेरे बेटे करण देओल की शादी में आना, और लोग भी सोच रहे थे कि शायद ईशा देओल और एहना देओल दोनों अपने दूल्हे या यूँ कह लीजिए अपने हस्बैंड के साथ शादी में पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, कई लोग तो आस लगाए बैठे थे कि 42 साल बाद हेमा मालिनी धर्म जी के पहले वाली घर यानी 42 साल बाद सनी देओल के बेटे की शादी में हेमा मालिनी पैर रखेगी, यानी वो घर पे धर्म जी के पुराने घर पे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेमा मालिनी आज 42 साल हो गया, 42 साल बाद धर्म जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर से नहीं मिला और न ही उनके कब कोई फंक्शन पार्टी शादी में आई गई। खैर, यही वो वजह है जो हेमा मालिनी सनी देओल के बेटे की शादी में नहीं पहुँच पाई। खैर, आपको क्या कहना है कॉमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर इट कीजिए, और देओल फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए।